हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दुहाई डिपो, कि दुहाई डिपो के अंदर क्या क्या वर्क चल रहा है इस टाइम पे, क्या क्या वर्क नहीं चल रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो सब आप इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन का काम था वो बिल्कुल क्लियर कर लिया जा चुका है। और देख सकते हो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है, क्योंकि शैडो में ये ड्रेनें बनाया जा रहा है, और ड्रेनें बना देने के बाद में जो जगह बची हुई है उसमें प्लांटेशन की जाएगी, यानी कि इसमें घास घूस लगाया जाएगा। तो अभी यही काम वर्क चल रहा है इस दुहाई डिपो RRTS के अंदर। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, सारी लाइन क्लियर कर दी जा चुकी है, और ये पहले रोड ये नहीं बनी थी, तो अब इन्होंने ये साइड की रोड बना दी है। तो मैं आप लोगों को एंड तक लेके चलूँगा जहाँ पर इसका दुहाई डिपो का स्टेशन है, उसके बाद में फिर आगे उसमें देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है उस जगह पे। पर वहाँ पर भी आप लोगों को लेके चलूँगा और दिखाऊँगा चल के आप सभी को। तो आप सभी बनी रहिए इस वीडियो के एंड तक, फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे। और आप लोगों को रैपिड रेल भी दिखाएंगे जो कि खड़ी हुई है, और इस पर डेली ट्रायल रन चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्च में इसका ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, इसका मुहूर्त कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये बनाई जा रही है 30,274 करोड़ की लागत है। और आपको बता दूँ दोस्तों, ये 82 किलोमीटर का रूट है, और ये हमारे दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होगा, और ये न्यू अशोक नगर होते हुए, आनंद विहार होते हुए, साहिबाबाद होते हुए, गाजियाबाद होते हुए, और ये दुहाई डिपो में आ जाएगा। दुहाई डिपो से फिर ये सीधा मुरादनगर, मोदी नगर, और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके इसका एंड हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये खड़ी हुई है रैपिड रेल, और आपको बता दूँ कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी दोस्तों। और मेरठ से और गाजियाबाद आने में दोस्तों सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगेगा आप लोगों को। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप की ये दिखाई देती है रैपिड रेल, और ये डेली इसका ट्रायल रन चल रहा है, 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ती है। और उसका यहाँ पर ये देख सकते हो एक सेक्शन यार्ड ही यहाँ पर बना रखा है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस के लिए बना रखा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि कहां पर इसकी सफाई के लिए क्या क्या रखा हुआ है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आगे आने वाला है दुहाई डिपो का स्टेशन के, उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है वो आप लोग अपनी आँखों से देख लेना दोस्तों, क्योंकि इधर सारा काम तो आपको बता दूँ कि 99% दुहाई डिपो के अंदर वर्क कंप्लीट हो चुका है, 1% बचा हुआ है, उस पर भी तेज़ी के साथ में इस पर अभी इस टाइम पे वर्क चल रहा है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। देख सकते हो वो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है दुहाई डिपो का स्टेशन दोस्तों। और यहाँ पर एक गेट लगाया गया है, अगर यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, गेट के नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढा था तो गाड़ी निकल नहीं पाती, तो इस वजह से मुझे रिटर्न लेनी पड़ी दोस्तों। तो देख सकते हैं ये ऊपर आने जाने वालों के लिए ही अभी ये फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, बाकी तो इस पर सारा काम कर लिया जा चुका है। और जो इसके स्टेयर हैं दोस्तों, उस पर रूफ टॉप का काम किया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से। तो कुछ ये सीन है यहाँ दुहाई डिपो का जो स्टेशन है दोस्तों। और इस पर देखो ये लिखा हुआ है NCRTC, जो इसको बना रही है, जो हैंडओवर इसको मिला है वो मिला है NCRTC को, क्योंकि ये NCRTC ही इसको बनवा रही है RRTS को दोस्तों। और हमारे भारत में पहली बार ये चलाई जाएगी इतनी तेज़ी के साथ में। और आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में दोस्तों, भविष्य में ये एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने के लिए जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में ये रैपिड रेल चलाई जानी है दोस्तों, और जो सिटी के लिए है उसमें मेट्रो चलाई जाएंगी। तो अभी प्रगति चल रही है, प्रगति पर हमारा देश चल रहा है दोस्तों, काफ़ी तेज़ी के साथ में इकनॉमी बढ़ती जा रही है, और सारे देशों में हमारी वाहवाही हो रही है दोस्तों। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं पूरे देश का वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, और मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि
है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप सभी दोस्तों। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देख सकते हो सारे मही बर्फ की ये कंप्लीट कर लिया जा चुका है दोहाई डिपो के अंदर दोस्तों, देख सकते हो दोनों साइडों में, क्योंकि अभी 90% तो काम आपको पता ही है, 99% हो चुका है दोहाई डिपो के अंदर बिल्कुल कंप्लीट, 1% बचा हुआ वो भी तेज़ी के साथ में किया जा रहा है जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो देख सकते हो RRTS, ये देख सकते हो रैपिड रेल को कि किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है, और ये डेली इसका ट्रायल रन किया जाता है जो कि दोहाई से लेकर और साहिबाबाद के बीच में अभी ट्रायल रन चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों। और मैं आने वाले वीडियोस में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, स्टेशन का व्यू भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लेना, अगली अपडेट्स देखने के लिए आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से रैपिड रेल दौड़ती है दोस्तों। आप लोगों को प्लेटफॉर्म के ऊपर ले कर चलेंगे और प्लेटफॉर्म भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाए गए हैं ये RRTS के जो स्टेशन बनाए गए, जो लाइन बनाई गई है, मैंने पिछली वीडियो आपको दिखाई थी ऊपर की, अब आप लोगों को स्टेशन देखने के लिए मिलेगा और उस पर ट्रायल रन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से दौड़ती है रैपिड रेल। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली अपडेट देखने के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही वीडियो चलाता रहता हूँ। और देखो ये अंडरपास बनाया गया, तो अंडरपास के ऊपर भी ये रूफटॉप का काम किया जा रहा है, साइडों में देख सकते हो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये खड़ा कर दिया बीम, यहाँ पर भी कुछ बनाया जा रहा है। ये जितनी भी आप लोगों को मिट्टी दिखाई दे रही है दोनों साइडों में, इस पर सारे में घास निकाल लगा दी जाएगी। तो अभी ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, देख सकते हो आप लोग तस्वीर है, और एक रैपिड रेल यहाँ पर खड़ी हुई है और दो रैपिड रेल इसके अंदर खड़ी हुई हैं क्योंकि उन पर अभी कुछ वर्क किया जा रहा है। तो टोटल इस दोहाई के डिपो के अंदर 5 रैपिड रेल आ चुकी हैं और आने वाली भी हैं। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और कंस्ट्रक्शन दिखाता रहता हूं दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, मिट्टी को लेवल में किया जा रहा है, फिर इसमें घास लगाई जाएगी और जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोहाई डिपो का दोस्तों। तो अभी देख सकते हो टीम लगी हुई है, वर्क कर रही है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से हम चल रहे हैं वापसी, और वापसी में दिखाते हैं आपको एंड तक का, क्योंकि आगे आप लोगों को दोहाई का जो डिपो का स्टेशन है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एंड में। तो आप लोग बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, देख सकते हो इसके जो डिपो के लास्ट में वो भी यहाँ पर ये कुछ बनाया जा रहा है, तो काम चल रहा है। और इसमें दो दो रैपिड रेल खड़ी हुई हैं इस यार्ड के अंदर इस लेफ्ट हैंड पर, तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे के पिसंत के चैनल पर दोस्तों। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही अपडेट्स देखते रहो के पिसंत के चैनल पर दोस्तों। के पिसंत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो आप लोग ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए जानने के लिए के पी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम निकलते हुए चल रहे हैं बाहर की साइड में, और बाहर की साइड में देखेंगे चल के कि क्या क्या वर्क चल रहा है, कहाँ पे रैपिड रेल खड़ी हुई है या नहीं खड़ी हुई है आगे, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मुझे उधर का ही कवर करना था जो अभी लेकर आया हूँ जिस रास्ते से, क्योंकि वो बन के क्लियर नहीं हुआ था, उसे सबसे ज़्यादा टाइम मिला है तो मुझे मौका मिला, तो मैंने आप लोगों को उधर का भी कवर करके दिखा दिया है। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और हमारा आने वाला भविष्य दोस्तों सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जब से ये मोदी सरकार बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो कर रहा है दोस्तों, हाईवे देख लो, मेट्रोस देख लो, ट्रेनें देख लो, एक से एक फैसिलिटी आप लोगों को मिलती चली जा रही है दिन के दिन दोस्तों। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स जानने के लिए, उन्हें देखने के लिए चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और मैं ऐसे ही
अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो एक रैपिड रेल यहाँ खड़ी हुई है, देख सकते हो ये, और ये सामने आपको बता दूँ NCERTC के ऑफिस है, ये वाला राइट वाला, और लेफ्ट वाला तो डिपो, कंस्ट्रक्शन डिपो। और ये देख सकते हो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें हैं, यहाँ पर ये रखे हुए हैं ट्रांसफार्मर, जहाँ से ये बिजली प्रोवाइड करेगी रैपिड रेल को चलाने के लिए। और सबसे हाई फाई एक्सटेंशन की ये भाई साहब बिजली होती है, 25,000 वोल्ट की इस पर बिजली दी जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। तो देख सकते हो कि कितनी हाई फाई होती है भाई साहब। अगर आदमी इससे चिपक जाए ना तो आदमी का क्या ही बताऊं भाई साहब, ऐसा भस्म कर देती है, ऐसा जला देती है। क्योंकि ये घरों वाली बिजली, ये 11 लाने की लाइन है, इसमें कुछ नहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें तो बहुत कम होती है, उसमें तो भाई साहब क्या ही बताएं आपको। तो अब हम निकलने वाले हैं, गेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें भी ये यार्ड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि इनका मेंटेनेंस के लिए ही, रैपिड रेल को मेंटेनेंस के लिए ही ये यार्ड बनाए गए हैं हर जगह, क्योंकि एक एक डिब्बे को ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकें इसके डिपो के अंदर ही दोस्तों। तो हम ये देखो गेट से बाहर निकल गए हैं, और गेट से बाहर निकलते ही ये दुहाई डिपो का स्टेशन है, जिस पर अभी रूफ टॉप का काम किया जा रहा है दोस्तों, सेटरिंग लगी हुई है, देख सकते हो ये स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, अभी रूफ टॉप का स्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है इस पर, और फिर इसके बाद में रूफ टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। KP संत आप लोगों के बीच में वीडियोस लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, क्यों सामने से सूरज पड़ रहा है तो ज़्यादा से दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सारा काम यहाँ पर क्लियर कर लिया जा चुका है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।